गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का सब्जेक्ट है आनंदम, जॉय ऑफ गिविंग, पार्ट वन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि अभी एक न्यू सब्जेक्ट है जिसे फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से अपने आसपास किसी की सहायता करके और एक अपने आप को खुशी प्रदान कर सकें, और जिस तरह से हम कहते हैं कि द मोर यू गिव ऑफ योर सेल्फ द मोर यू फाइंड ऑफ योर सेल्फ, अर्थात कि जितना आप किसी की सहायता करेंगे उतना ही आपको जीवन में उससे अधिक प्राप्त होगा। तो इसका मुख्य कारण ही यही है कि हम आजकल के जो बच्चे हैं उनमें इन चीज़ों को हम उनके अंदर इनकल्केट करें कि हमें किस तरह से किसी की मदद करनी चाहिए और इस मदद से हमें किस प्रकार से जो है खुशियाँ प्राप्त होती हैं या हैप्पीनेस प्राप्त होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब हम इस सब्जेक्ट में ये भी पढ़ेंगे कि जो हम मदद करेंगे वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हम इसको फिज़िकली यानी शारीरिक रूप से हम किसी की सहायता कर सकते हैं, मेंटली मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, और या फिर मॉनेटरी यानी कि वित्तीय रूप में भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। शारीरिक में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किस जैसे कि किसी को अगर किसी चीज़ में जैसे कोई गिर गया है या किसी को चोट लग गई है तो हम उसको उस तरह से हम उसको शारीरिक रूप से हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कहीं ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, इस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। और मेंटली जो होता है जिसे हम मानसिक रूप से सहायता कहते हैं, ये जो सहायता होती है ये शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है, और इसमें होता है कि जैसे हमें किसी बच्चा कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट या आपकी कोई सहेली है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है कंपटीशन में, तो हम उसको शब्दों के माध्यम से हम उसे प्रोत्साहित करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, ये भी एक जॉय ऑफ गिविंग का पार्ट है। और मॉनेटरी मतलब होता है जैसे वित्तीय सहायता, जैसे कभी किसी को पैसों की आवश्यकता हो जाती है तो उसको भी हम उसकी सहायता से अपने जितना आप में क्षमता है हम उसके आधार पर हम उसकी मदद कर सकते हैं, और हमें जब उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको करके हम एक जॉय ऑफ गिविंग वाला जो फीलिंग है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि हृदय से जब हम किसी की भी सहायता करते हैं तो जो आपकी जो जीवन में जो खुशियाँ होती हैं उनसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, और तथा हमारी जो आत्मा होती है उसको भी बहुत ही अत्यधिक संतुष्टि ये कार्य हमें बहुत प्रदान करता है। तो इसीलिए हमें क्या है कभी भी स्वयं केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी वी शुडन बी सेल्फ सेंटर्ड, और हमें अपनी दुनिया से बाहर आना है और हमें दूसरे व्यक्तियों के संसार में उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उनको हम किस तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं के माध्यम से हम अपना किस तरह से ये साहस दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जॉय ऑफ गिविंग भी एक साहस है, एक हमारा वेंचर है, इट्स अ ट्रू वेंचर, हम इस किस तरह से कर सकते हैं, तो इसी के माध्यम इस सब्जेक्ट के माध्यम से समझाया जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो आज जो पहला पार्ट वन है इसमें हम पहले धीरे धीरे हम हर चीज़ को स्टेप वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस क्या होता है, तो इसमें हम हमारे जो मुख्य की कंटेंट है मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, आनंदम का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, आनंदम की परिभाषा, इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, आनंदम का
महत्व या आनंद का महत्व। आनंदम शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ आनंद ही है। तो आज हम इस पे थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे। आनंदम, आनंदम का अर्थ निसंदेह खुश और आशावादी होने की गुणवत्ता या स्थिति, खुश होने की अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जब आप बहुत खुश होते हैं या आप बहुत ही आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तब आप एक खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस में आ गया द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग नोटिसेबली हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक और द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। आनंदम की परिभाषा, खुशी शब्द का उपयोग मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें सकारात्मक या सुखद भावनाएं होती हैं, जो संतोष से लेकर गहन आनंद तक होती है। इसका उपयोग जीवन संतुष्टि, व्यक्तिपरक कल्याण, उत्कर्ष और कल्याण के संदर्भ में भी किया जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है, मनोविज्ञान के अनुसार खुशी एक सकारात्मक मनोदशा के अनुभव से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में खुशी लोगों के जीवन का मूल्यांकन है और मूड और भावनाओं के संतोष और स्नेहपूर्ण मूल्यांकन के संज्ञानात्मक निर्णय दोनों को शामिल करता है। डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, द टर्म हैप्पीनेस इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्टेट्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव और प्लेजेंट इमोशंस रेंजिंग फ्रॉम कंटेंटमेंट टू इंटेंस जॉय। इट इज ऑल्सो यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन, सब्जेक्टिव वेलबींग, फ्लरिशिंग एंड वेलबींग। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हैप्पीनेस इज मोर देन द एक्सपीरियंस ऑफ अ पॉजिटिव मूड। इन अदर वर्ड्स, हैप्पीनेस इज people's evaluations of their lives and encompasses both cognitive judgments of satisfaction and affective appraisals of moods and emotions। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि आनंदम का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। अब हम एक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि खुशी वह भावना है जो आपको तब पता चलती है जब आप जानते हैं कि जीवन अच्छा है और आप मदद नहीं कर सकते लेकिन मुस्कुराते हैं। ये दुख के विपरीत है। खुशी एक भलाई, खुशी या संतोष की भावना है। जब लोग सफल होते हैं या सुरक्षित या भाग्यशाली होते हैं तो वे खुशी महसूस करते हैं। किसी ने कभी भी बहुत खुशी महसूस करने के बारे में शिकायत नहीं की है। सो हैप्पीनेस इज दैट फीलिंग दैट कम्स ओवर यू व्हेन यू नो द लाइफ इज गुड एंड यू कांट हेल्प बट स्माइल। इट इज द ऑपोजिट ऑफ sadness। happiness is a sense of well-being, joy or contentment when people are successful or safe or lucky, they feel happiness। no one ever complained about the feeling too much happiness। इससे ये है कि बहुत अगर अधिक खुशी होती है तो हम उसके बारे में शिकायत कभी भी नहीं करते हैं। और जो भी हमारी होती है, और जैसे दुखी होने का जो ऑपोजिट है यानी जो उसकी विपरीत है वो खुशी ही है,
और खुशी जो है जीवन में बहुत ही आवश्यक है। कोई भी नहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में दुखी हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात आनंद का महत्व। खुशी का इतना महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह जीवन में हमारे अपने लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें कई अन्य पोषित व्यक्तिगत महत्व आकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। साथ ही खुश रहने से हमारे पास सिर्फ अपने स्वयं के होने से कई अन्य जीवन को बदलने की क्षमता भी होती है। तो ये जो मैंने आपको इसका महत्व जो है वो मैंने पहले भी आपको एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इज द फंडामेंटल रीज़न व्हाई हैप्पीनेस इज सो इम्पोर्टेंट इज दैट इट्स एक्सट्रीमली वाइटल टू आर ओन गोल्स इन लाइफ एंड कैन हेल्प अस अचीव मैनी अदर चेरिश्ड पर्सनल एम्बिशंस एंड गोल। ऑल्सो बाई बींग हैप्पी वी हैव द पोटेंशियल टू चेंज मैनी अदर लाइफ्स जस्ट बाय बींग आर सेल्फ। तो इसीलिए हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, वी हैव टू चेंज इवन आर लाइफ्स एंड एज वेल एज द अदर्स लाइफ। थैंक यू।